यमुनानगर के मॉडल टाउन स्थित दशहरा ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। भाजपा नेताओं और सैकड़ों शहरवासियों और यमुनानगर नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के साथ शिक्षा मंत्री ने PM नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर शहरवासियों में काफी उत्साह दिखाई दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि PM मोदी इस कार्यक्रम के जरिए पूरे देश को प्रेरणा देते हैं। प्रभावशाली होता है। आमतौर पे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल व्यक्ति है उससे हम राजनीति की बात की अपेक्षा करते हैं, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो और चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उससे भी यही अपेक्षा करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें किसी प्रकार की भी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, बल्कि जो लोग जिन्होंने अच्छा काम किया, चाहे वो स्वच्छता के लिए अगर कोई काम कर रहा है उसके लिए, या कोई शिक्षा देने के लिए काम कर रहा है उसके लिए, चाहे कोई पानी बचाने के लिए काम कर रहा है उसके लिए, कोई पर्यावरण के लिए काम कर रहा है उसके लिए, और कोई गरीब व्यक्ति की मदद करने के लिए काम कर रहा है। मतलब जो भी लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छे अच्छे काम करते हैं तो उनका माननीय प्रधानमंत्री जी दिख रहा है। जैसे हमारे यहाँ एक लड़की है बूढ़ी से, जबकि हम तो यहीं रहते हैं, हमें भी ध्यान नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका जिक्र किया कि किस प्रकार से उन्हें शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद किस प्रकार से वो बच्चों की मदद कर रही। हमारे यहाँ एक शहद का उत्पादन करते हैं किसान, तो बहुत सफल है। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात में उनकी बात, ऐसे और भी कई ऐसे काम हैं जिनकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री। मैं समझता हूँ इससे लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती है, और देश को अगर नंबर 1 बनाना, देश को आगे लेके जाना, तो उसके लिए जरूरी है कि देश के सभी लोगों में इस प्रकार की प्रेरणा से एक भाव जागृत हो, वो काम करें, देश को नंबर बनाने के लिए आप भी उसमें सहयोग करें। उत्साह जो लोग देखते हैं वो प्रभावित होते हैं बहुत, और हर आदमी के मन में एक विचार, जैसे आज की बात है, जैसे स्वच्छता के ऊपर उन्होंने एक शहर का नाम लिया कि वहाँ पे कुछ लोगों ने शुरुआत की और उसके बाद अब 50,000 लोग उसके साथ जुड़ गए। तो हम भी सोचते हैं कि इस प्रकार का हमारे यहाँ भी होना चाहिए, तो ऐसी एक प्रेरणा लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने शुरू ही कर दिया, पर मैं ये तो कह रहा कि एक मन में भाव तो जगता है। जब ये भाव कहीं मन में जगता है, मान लो पानी को बचाने का भाव मन में जगता है, मैं मानता हूँ कि सब लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ लोग शुरू कर देंगे तो एक शुरुआत होगी और थोड़ा काम हो सकता है।